हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की डेट में हम दो स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं क्योंकि कल मार्केट ओपन होगी। ओके, और जहां तक है मार्केट ओपन होने वाली है गैप डाउन के साथ और बहुत बड़ा गैप डाउन के मतलब है कि बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप डो जॉन्स देखेंगे तो लगभग 2.77% लगभग 950 पॉइंट यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। और जो इसका लेवल था 6 मंथ का, ओके, यहाँ पर 6 मंथ को जो इसने लो बनाया था यहाँ पर लो को टच करके शायद फिर भागने की कोशिश करेगा, तो एक आध दिन की और यहाँ पर गिरावट हो सकती है डो जोन्स में। तो इसी तरीके से यहाँ पर निफ्टी के भी कुछ इसी तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम निफ्टी 50 की भी बात बताएं तो निफ्टी 50 में भी यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आ सकती है और यहाँ पर लेवल बट फिर भी इंटैक्ट है। और लेवल कौन सा इंटैक्ट है? जो लास्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया था 16,800 के आसपास, 16,838 इसके आसपास का यहाँ पर लेवल नजर आता है। 16,900 16,800 अगर ज्यादा गिरावट हुई तो 16,800 तक आएगा। अगर इसके नीचे जाता है तो याद रखिए गिरावट और गहरी हो सकती है और यहाँ तक चीजें आ सकती है। बट लेट्स सी कल क्या होता है। बट हम इससे रिलेटेड बातें नहीं करने वाले, हम बातें करने वाले दो स्टॉक से रिलेटेड जहां पर एक बेहतरीन जंप देखी जा सकती है कल की डेट में। और कल की डेट में अगर जंप नहीं होती तो याद रखिए अगले 3 महीने में ये स्टॉक्स आपको बेहतरीन रिटर्न्स देते हुए नजर आएंगे। बट पूरी स्ट्रेटजी के साथ चलना होगा। वो स्ट्रेटजी, वो चार्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से आपको नीचे तक जाना है और कहाँ पर आपको बाइंग करनी है और कहाँ पर आपको सेल करना है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, इन्वेस्ट फॉर अवर चैनल को आप लोग ऑलरेडी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बट आपके सपोर्ट की और जरूरत है तो हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आए तो आप यहाँ पर वीडियो को देख सके, देख के यहाँ पर सीख सके। और जितना सीखेंगे याद रखिए आप बेशक से अभी कुछ नहीं कमा रहे, बस सीखने के बाद यहाँ पर जब करना शुरू करेंगे ना तो इतना पैसा कमाएंगे कि पैसे आपको ऐसा लगेगा कि इतने पैसे की मेरे को जरूरत ही नहीं है। बट सबको जरूरत होती है, ऑब्वियस सी बात है। और ये पर्टिकुलर नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं तो इन नंबर पे आप हमें क्या कर सकते हैं, इन नंबरों पे आप हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके लिए यहाँ पर दे रखे हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। तो दो स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा केमिकल की। टाटा केमिकल की अगर मैं यहाँ पर चार्ट दिखाऊं तो टाटा केमिकल एक लंबा, अगर यहाँ पर देखे तो एक लंबा यहाँ पर कंसोलिडेशन के साथ गुजरा है। यहाँ पर मैं चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर से एक लंबा कंसोलिडेशन है, लगभग पूरा अक्टूबर 2021 से लेके अभी तक एक ही दायरे में नीचे ऊपर कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है, एक रेंज में यहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। बट ये रेंज अब शायद यहाँ पर ये तोड़ता हुआ नजर आएगा। क्यों तोड़ता हुआ नजर आएगा? तो सबसे पहले आपको बिजनेस मॉडल तो पता ही है, टाटा केमिकल एक कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है और 4 कॉन्टिनेंट में, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया में काम करती हुई नजर आती है, सोडा ऐश में काम करती हुई नजर आती है। और सबसे बड़ा दावेदार तो इस चीज से है, यहाँ पर जो शेयर प्राइस का बड़ा था जस्ट बिकॉज क्योंकि ईवी के बिजनेस में आने वाला है। जब यहाँ पर ईवी में जब बात कर रही है लिथियम बैटरी की तो यही कंपनी बनाती हुई नजर आएगी, तो इसकी तरफ आपको क्या करना है ध्यान। और इसके अलावा एक चीज और, मार्केट कैप जो हम बात करेंगे, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप कंपनी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस होकर भी चलना है कि यहाँ पर अगर गिरावट हुई तो थोड़ी बहुत गिरावट कंसोलिडेशन में जा सकता है शेयर, जैसे कि कंसोलिडेट हो ही रहा है। बट यहाँ पर कंसोलिडेशन का मतलब नहीं, अभी यहाँ पर शेयर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है तो। डेट आरओसी कुछ खास नहीं है, डेट 38% की है, प्लेजिंग भी यहाँ पर बात करें कोई प्लेजिंग नहीं है, इंडस्ट्री का भी 28 है, इसका 18 का है, तो कहीं ना कहीं सस्ता। और 1158 का हाई बना के 940 पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बीच में हर्डल्स आते रहते हैं, बट चीजें कार्य काफी बेहतरीन है, ऊपर जाता हुआ चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सेल्स की बात करें तो देखिए सेल्स लगातार बढ़ी है और इस बार की सेल्स 3481 करोड़ की सेल्स है जो कि क्वार्टरली और एनुअली दोनों बेसिस पर ज्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 633 करोड़ का जो क्वार्टरली एनुअली बेसिस पर अच्छा खासा है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% का जो कि क्वार्टरली और ईयरली बेस पर तो काफी बेहतरीन नजर आता है। जब यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर यहाँ पर चीजें अच्छी नजर आती है तो ऐसे केसेस में शेयर को ऊपर जाना ही होता है, जो चाहे वो 10 दिन बाद जाए, 1 महीने बाद जाए या 3 महीने बाद जाए, बट बहुत जल्दी आपको ऐसे रिजल्ट मिलते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पर कंपनी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न एज इट इज बना हुआ, अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, FIDIS ने यहाँ पर बाइंग ऑलरेडी कर रखी है, पब्लिक के पास से यहाँ पर शेयर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। टाटा केमिकल का चार्ट यहाँ आपके सामने पेश है। देखिए एक बेहतरीन सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, सपोर्ट तो यहाँ पर नजर आता है एक, ओके, अगर मार्केट गिरती है ओके तो सभी चीजें गिरती हुई नजर आएगी, तो 782 का ही बेहतरीन सपोर्ट है। बट कल की डेट में सपोर्ट यहाँ पर
एक यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये सपोर्ट सब काफी ज्यादा मायने यहाँ पर रखता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बता देता हूँ, 930, 930 का लेवल यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर काफी सपोर्टिव यहाँ पर नजर आएगा। अगर चीजें यहाँ पर गिरती है तो थोड़ी सी और यहाँ पर गिर सकती है, और गिरने के बाद चीजें शायद यहाँ पर आती हुई यहाँ पर अटकती हुई दिखाई दे सकती है। ओके, इसी के आसपास 900 से 850 के बीच में, बट यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट है। कल की डेट में अगर मार्केट में गिरावट हुई तो शायद यहीं पर ही कंसोलिडेट करे, बट जिस तरीके के रिजल्ट है ये चीज बताती है कि शेयर यहाँ पर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें इस लेवल को 1021 का, और एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बता देता हूँ, 1021 मतलब 1022 को अगर ये क्रॉस करता है तो याद रखिए एक जंप आएगी जो इसे सीधे यहाँ पर 1163 की तरफ ले जाएगी। और इस लेवल, इन दो लेवल से जो ये ट्रेंडिंग लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है और रेजिस्टेंस की लाइन है, इसके ऊपर जाती साथ चीजें एक बेहतरीन होती हुई नजर आएगी। और शायद ये इस बार अपना ऑल टाइम हाई भी, ये 52 हाई को तो क्रॉस करे ही और ऑल टाइम हाई को भी यहाँ पर टच कर सकता है। और अगर गिरावट होती है तो याद रखिएगा बाइंग करनी है, वो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी। बाय ऑन डिप्स करके बाई करेगा तो अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिलेगा, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके। अब दूसरे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। दूसरा एक स्टॉक और है जिसका नाम है SBI कार्ड्स। SBI कार्ड्स एक लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से चीजें ऊपर गई, ऊपर जाके फिर नीचे आई। ओके, इस तरीके से यहाँ पर खेल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं 6 महीने का चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर चीजें ऊपर गई, ऑल टाइम हाई लगाया, इसके बाद लगातार गिरावट और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन। बट अब ये इस कंसोलिडेशन को तोड़ सकती है, क्यों? क्योंकि गिरावट तो बेवजह थी। ओके, सब गिर रहे थे तो ये भी गिर रहा था, बट अब जब रैली होगी तो अच्छी रैली हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनी अगर बात करे तो देखिए कंपनी काफी बेहतरीन है, 1165 का हाई लगा के अच्छे खासे यहाँ पर डिस्काउंट में मिल रही है। काफी बेहतरीन मोनोपोली बिजनेस कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में तो एटलीस्ट ये मोनोपोली स्टॉक है। और यहाँ पर पीई की बात करें, 48 का पीई है, इंडस्ट्री का 25 है, और तो बेहतरीन स्टॉक्स हमेशा हाई पे ही मिलेंगे। आरओसी आरओई काफी बेहतरीन है, और आपको पता ही है कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। क्यों? यहाँ पर जो रिजल्ट आए हैं 2850 करोड़ की रिवेन्यू, क्वार्टरली बेसिस पर जरूर गिरते हुए नजर आया है बट एनुअली बेसिस पर बढ़े हैं। और यहाँ पर यहाँ पर सीधे आता हूँ फाइनेंशियल प्रॉफिट की तरफ, तो 653 करोड़ रुपए का यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉफिट है, जो कि क्वार्टरली और एनुअली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा है। और इन्होंने अपने एक्सपेंस पे काफी कंट्रोल किया है, जो कि एक काबिले तारीफ है। और यहाँ पर फाइनेंशियल मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर देखिए 23%, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे दुगना, और ईयरली बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर लगभग 4 गुने से ज्यादा है। तो इस शेयर को ऊपर जाने से अगर कोई रोकता है, ओके, तो याद रखिए नीचे के लेवल पर लेना है, बाइंग करनी है, ऑल टाइम हाई को भी टच करने की पूरी कोशिश करेगा। और इसके जो टारगेट लास्ट टाइम हमने आपको बताए थे तो उस टारगेट को 1300-1400 के जो बन रहे थे वो अचीव होते हुए नजर आएंगे। लगभग यहाँ पर 50-60% का अपसाइड मुझे सीधे नजर आता है। नेट प्रॉफिट की बात करें, हाईएस्ट एवर है क्वार्टरली एनुअली और ऑल टाइम, एज वेल एज यहाँ पर देखिए ग्रॉस एनपीए, एनपीए भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली दोनों बेसिस पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और नेट एनपीए भी देखेंगे तो वो भी क्वार्टरली एनुअली बेसिस पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब चीजें एकदम बेहतरीन बनती हुई नजर आ रही है और एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, और जिस वजह से शेयर नीचे आ रहा था वो आपको पता ही है। यहाँ पर रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके, और यहाँ पर बोरिंग तो देखेंगे ही नहीं, ऑब्वियसली कहा बात है, बोरिंग का ही काम है। प्रमोटर्स 69.59% की होल्डिंग है, जो कि यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। FIs की होल्डिंग अच्छी खासी है, DIS की होल्डिंग अच्छी खासी है। यहाँ पर देखिए ये CA रॉबर जो यहाँ पर ये ग्रुप था, ये शेयर लगातार बेच रहा था, यहाँ से 15 से 11 करी, इस वजह से शेयर लगातार गिरावट हो रहा था, विदाउट रीजन गिरावट हो रही थी। और ये भी इन्होंने अब यहाँ पर बेच दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर लास्ट टाइम यहाँ पर जो शेयर गिरा था इसकी वजह से गिरा था, और ये पूरी हिस्सेदारी यहाँ पर गायब हो चुकी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर देखते हैं बाकी क्या होता है, या फिर थोड़ी सी भी हिस्सेदारी है तो कोई इशू नहीं है, चीजें अच्छी खासी है, चीजें दोबारा अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगी। और यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट काफी यहाँ पर बेहतरीन नजर आता है, बार बार एक गोल्डन रेशियो जो होता है उसे यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की बात करें तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आता है 889 का, 889 के रेजिस्टेंस को यहाँ पर निकाल दिया। तो याद रखिए शेयर यहाँ पर पहले 936, और धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करके और भी ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इस शेयर में आप बाइंग करके चल सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट यहाँ पर ही नजर आता है, जो यहाँ पर गोल्डन रेशो था,
लगभग 778 का, थोड़ा सा यहाँ पर डाउनसाइड नजर आता है ₹50 का, और अपसाइड नजर आता है बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, हर तरीके से यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हो। और चीजें अगर कल की डेट में गिरावट में आती है और यहाँ पर आ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अगर बाइंग नहीं करी तो फिर कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो याद रखिए आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, थम्स अप दीजिए इस वीडियो को, और दूसरी वीडियोस को जाके देखिए। कोई क्वेरीज हो कमेंट करिए, और आप हमें नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।